गंगा भोग के रिजोर्ट में हुए अंकिता मर्डर मामले में जल्द चार्जशीट फाइल होगी। इसके साथ ही वीआईपी का नाम जानने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट कराएगी। एडीजी वो मुरुगेशन ने बताया कि वीआईपी का नाम जानने के लिए पुलिस नार्को टेस्ट कराएगी, जल्दी न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगे। एडीजी ने बताया कि 23 तारीख से पहले न्यायालय में चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी। उन्होंने 10 दिन में चार्जशीट दाखिल करने की बात कही। एडीजी ने जनता से भी अपील की है कि अफवाहें ना फैलाएं। उत्तराखंड पुलिस गंभीरता से विवेचना कर रही है। नवभारत समाचार देहरादून से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। अंकिता मर्डर केस पे ड्यू डेट के पहले हम चार्जशीट फाइल करेगा और जो भी हमारा पास जो आए एविडेंस है वो पर्याप्त है और उस पे वी विल फाइल द चार्जशीट। सर अब तक क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई अंकिता कुछ अपडेट बता दीजिए इसमें। सारा हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। जो भी छोटा मोटा पॉइंट पेंडिंग है उसके लिए वेट कर रहे थे और ड्यू डेट के पहले हम चार्जशीट फाइल करेंगे। सर ड्यू डेट क्या है इसकी जब तक आपको फाइल करना है? जो अरेस्ट हुए हैं उसके से 90 दिन है। तो सर अभी अगले कब में देखिए फाइल आप कर देंगे? हम बता रहे फाइल उससे पहले कर देंगे, लगभग अगले 10 दिन में नेक्स्ट वीक में तब तक आप फाइल करेंगे। आज क्या तारीख है? 5/4 अनदर 10 डेज में अगले 10 दिन में चार्जशीट दाखिल हो सकती है। हाँ जी। चार्जशीट में कौन कौन सी धारा है और कौन कौन से कुछ एविडेंस महत्वपूर्ण है आप अगर शेयर करना चाहें? 302 IPC, 201 IPC, 120B रेड विथ और इसके अतिरिक्त इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में भी सेक्शन से सेक्शन 354A नहीं 354 नहीं होगी अच्छा 354 IPC है और जो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है उसका भी सेक्शन से लगेगी। दूसरी बात हाँ मैं यही कह रहा हूँ। दूसरी बात जैसे अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज्ड लोग ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अभी रिसॉर्ट के लोग हैं तो कहते हैं कि वहाँ का जो अपना वीआईपी रूम है सो कॉल प्रेसिडेंशियल सूट है उस पे जो भी ठहरने वालों को वीआईपी कहते हैं। स्टिल पूरी बात सारा सच्चाई सामने लाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इनको नार्को टेस्ट कराया जाए अक्यूज्ड लोगों को। तो नार्को टेस्ट के लिए हम एप्लीकेशन लगेंगे कोर्ट में। आफ्टर द कोर्ट्स परमिशन वी विल डू द नार्को टेस्ट। कोर्ट में सर परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी सून। तीसरा मैं जनता से अपील है हमारे इन्वेस्टिगेशन फुलकुल उस पे है विदाउट एनी फेयर और फेवर। जो तथ्य सामने आ रही है उस बेस पे एविडेंस कलेक्ट होके चार्जशीट फाइल हो रही है। हाई कोर्ट के सामने भी मैटर पेंडिंग है। हाईकोर्ट ने भी हमारे पूरा केसेस की केस डेयरी है अवलोकन की हुए उनका ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर टू सीबीआई इज पेंडिंग। तो हमारे अनुरोध जनता से है कि पब्लिक एट लार्ज कि आप इस पे संयम रखिए हमारे ऊपर हमारे एसआईटी के ऊपर भरोसा रखिए। उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल इस पे निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है।